दोस्तों, ये है डिजी लॉकर जिसके अंदर आप अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। आज मैं आपको अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। कैसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और आपको कोई मतलब स्कैन करके अपलोड नहीं करना है, आप ऑनलाइन उसे यहाँ पर फेच कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, पहला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है क्लास 12th मार्कशीट, पर हो सकता है कि अभी आ रहा है, बाद में ना आए, तो आपको क्या करना है, सर्च का बटन दबाना है। यहाँ पर जाकर यहाँ जो बार है सर्च का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास XII। तो देखिए क्लास 12th आ जाता है, पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, तो उसके स्टेट के नाम लिखे हुए, आपको दिल्ली 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 दिखाई दे रहा होगा। आपको सर्च करना होगा आपका जो स्टेट है, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो नहीं आता है, ये मैंने सर्च करके देखा था, कोई तकलीफ हो जाती है इसको, कुछ भी नहीं आता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश भी लिखूँ तो मध्य प्रदेश के सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बट उसमें से भी मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं क्लास 12 यहाँ पर लिख करके सर्च कर लेता हूँ। थोड़ा सा मेहनत लगेगी। यहाँ पर मैं सर्च करूँ तो ये देखिए क्लास 12 मार्कशीट मध्य प्रदेश मुझे दिख जाता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप चाहे तो व्यू ऑल का बटन दबा सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे भाई, कि क्लास 12 के स्टेट बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो इनके पास दो सर्टिफिकेट आपके होते हैं, क्लास 10, क्लास 12। क्लास 10 मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में, क्लास 12 के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, अगर आपने आधार कार्ड डाला हुआ है तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया, देख लेना, आधार कार्ड से फेच कर लेता, वरना आप डाल दीजिए। रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, वो आपको अपने मार्कशीट से ओरिजिनल से देख कर डालना होगा। मैं डालता हूँ। ये डालने के बाद ईयर ऑफ पासिंग डाली है, जिस साल पास किया था, ना कि जिस साल एडमिशन लिया था। 2013 में मेरा 12वीं पास हो गया था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और ये चेक मार्क रहने दीजिए और गेट डॉक्यूमेंट कीजिए। गेट डॉक्यूमेंट आप जैसे ही करेंगे थोड़ी देर फेच करेगा। देखिए क्लास 12th 10th भी मैंने किया था, 12th का ये फेच कर रहा है अभी, थोड़ा वेट करना होगा, समय देना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये मेरी मार्कशीट जो है आ चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी 12th की मार्कशीट है। यहाँ पर मैं अपना रोल नंबर चेक कर सकता हूँ जो मैंने डाला था, यहाँ पर देखूंगा अपनी डिटेल्स मुझे दिख जाती है, और यहाँ पर मेरे मार्क्स दिख जाते हैं भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, क्या मार्क्स आए थे, ये सब कुछ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इसके अलावा नीचे और भी डिटेल्स मुझे मिल जाती है। इसके पीछे का पेज जो होता है हमारी मार्कशीट का, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे देता है कि भाई क्या क्या नियम है आपकी मार्कशीट जानने के। अब इस मार्कशीट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का बटन आपको मिला है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली खोलेंगे तो पता नहीं गूगल शीट वगैरह किसी और एप्लीकेशन में खुलता है, ऑनलाइन जा करके इस मार्कशीट को डाउनलोड कर दिया आपने एक बार, तो फिर आप क्या करना, अपने फोन के फाइल्स में चले जाना। फाइल्स में जाने के बाद आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर होता है, इस पर चले जाना है, और फिर डिजी लॉकर का एक फोल्डर मिलेगा, वो चले जाना है। उसमें इश्यूड में आपको दिखाई देगी अपनी आपकी मार्कशीट, उसको आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, जिस भी, क्योंकि पीडीएफ है तो पीडीएफ रीडर के साथ आप ओपन करेंगे, और आपकी मार्कशीट आपको इस तरीके से दिख जाएगी। फिर इसको शेयर करना है तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वैसे इस मार्कशीट को शेयर करना है तो इस एप्लीकेशन में, मतलब ये डिजी लॉकर है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। देखिए बटन दबाई मैंने, और वन आइटम जिसको भी शेयर करना है यहाँ से कर सकते हैं। ये अपने आप को शेयर करता हूँ, ये दबा दिया, ये करेंगे। अब देखिए ये मैंने शेयर किया, किस फॉर्म में जा रही है वो दिखाना चाहता था, तो ये इमेज के फॉर्म में यहाँ पर गई है। ठीक है, तो ये है दोस्तों तरीका अपनी 12th की 10th की मार्कशीट को डिजी लॉकर में लाने का। अगर आपका स्टेट नहीं दिख रहा है तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपका बोर्ड वहाँ पर अपनी डिटेल्स नहीं डाल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास है तो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर डाल दूंगा। थैंक यू।